सबसे पहले बता देना चाहते हैं, कुछ बात हो रही है कि मोदी जी या नीतीश कुमार नहीं झुकेंगे? सबसे पहले बता देना चाहते हैं, कुछ बात हो रही है कि मोदी जी या नीतीश कुमार नहीं झुकेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छात्रों के हक हुकूक का के ऊपर जो दमनकारी नीति, पुलिसिया बर्बरता जो इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। और बता देना चाहते हैं, और ये भी याद दिला देना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही किसान लोगों ने आपको छठी का दूध याद दिला दिया। जब जब चुप करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जुलमी जब जब चुप करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रेलवे भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के शुरू आंदोलन में अब आहिस्ता आहिस्ता बिहार में जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो सभी अपनी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में आज एक बार फिर राजनीतिक दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था। मांग हमारी ये है कि जिस तरह से रिजल्ट के अंदर धांधली और बेरोजगारी की एक लंबी फहरिस्त हो चुका है, और छात्रों के हक हुकूक का के ऊपर जो दमनकारी नीति, पुलिसिया बर्बरता जो इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। और बता देना चाहते हैं, और ये भी याद दिला देना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही किसान लोगों ने आपको छठी का दूध याद दिला दिया, आप काला कानून वापस ले लिए थे। अब हम छात्र संगठन आह्वान कर रखे हैं, आपको घुटने के बल पे लाकर छोड़ देंगे। आपको छात्रों की बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं बात मानेंगे तो फिर पटना आने के लिए तैयार है, गली कुची पटना सब जाम कर देंगे नीतीश कुमार, तैयार रहिए। पुष्पा, हालांकि इस जाम का बेगूसराय जिला में मिला जुला असर देखने को मिला, कहीं कई घंटों तक जाम लगे रहे, लेकिन वहीं जिला मुख्यालय में लगभग एक डेढ़ घंटे के बाद जाम से लोगों को निजात मिल गया। हालांकि बहुत सारी गाड़ियां सड़क पर चलती दिखी, लेकिन फिर भी ज्यों ज्यों राजनीतिक दलों की गतिविधि हिस्सेदारी बढ़ रही है, त्यों त्यों रेलवे भी अपने तमाम वादों में परिवर्तन कर